गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंडियन स्टाइल इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 8th की फर्स्ट पोएम है दी आंट एंड द क्रिकेट, इसके एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्रिकेट कस्टम्ड टू, क्रिकेट किस चीज़ का आदि था? डांस का था, सिंगिंग का था, स्लीप का था, ईट का था, स्लीप का था और ईट का था। तो किस चीज़ का था? सिंगिंग करने का वो क्या था? आदि था। व्हाट सीजन डिड द क्रिकेट पास सिंगिंग, कौन सा जो मौसम है वो गाना गाते हुए निकाल देता है? समर, स्प्रिंग, विंटर, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है, ये गलत है, बोथ ए एंड बी। तो समर निकाल देता वो गाना गाते हुए। नेक्स्ट है, विच सीजन मेड द क्रिकेट फील वरीड, कौन सा सीजन है जो उसको चिंतित कर देता है? समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा था जो विंटर है उसको वो क्या कर देता है, उसको चिंतित कर देता है, विंटर। वाय वॉज द क्रिकेट वरीड अबाउट द विंटर, सर्दियों के मौसम में या सर्दियों के लिए क्यों चिंतित था? हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, ही वॉज सिक, ही कुड नॉट सिंग इन विंटर, ही कुड नॉट डांस इन विंटर। द आंसर इज हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। व्हाट डिड द क्रिकेट नीड टू इन विंटर, विंटर में किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? शेल्टर, फूड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबो। किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? तो आंसर इसका सी, बोथ ए एंड बी, शेल्टर की भी और फूड की भी। व्हाट डिड द क्रिकेट विश, क्रिकेट क्या चाहता है? टू बोरो, उधार लेना, उधार देना, दोनों चीज़ें, नन ऑफ द अबो। द आंसर इज टू बोरो, वो उधार लेना चाहता है। वेयर डिड द क्रिकेट गो टू सीक हेल्प, हेल्प के लिए कहाँ जाता है? टू ए फार्मर, एक किसान के पास जाता है, टू एन आंट, चीटी के पास जाता है, टू द गॉड, भगवान के पास जाता है, टू ए फ्लावर। तो आंसर इसका टू एन आंट के पास जाता है। डिड द आंट हेल्प द क्रिकेट, क्या क्रिकेट की हेल्प करती हैं चीटियाँ? यस, नो, मे बी, मे नॉट बी। द आंसर इज नो। व्हाट डू द आंट्स नेवर डू, जो चीटियाँ हैं वो कभी भी क्या नहीं करती? बोरो, लैंड, उधार लेना, उधार देना, बोथ ए एंड बी, दोनों, नन ऑफ द अबो, इन दोनों ऊपर वाली चीज़ों में से कोई भी। तो आंसर है बोथ ए एंड बी, ना तो उधार लेती है ना उधार देती है। इन द पोइट्स ओपिनियन द फेबल ऑफ द आंट एंड द क्रिकेट इज, कवि के राय में जो ये कहानी है आंट और क्रिकेट की कैसी है? ट्रू है, फॉल्स है, इमेजिनरी है, ऑल ऑफ द अबाउट। द आंसर इसका ट्रू, सच्ची है ये पोइट के अकॉर्डिंग। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट है स्टूडेंट्स, आपको इसको लर्न करना, ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।